भारत की पावन भूमि पर अनेकानेक सिद्ध संतों का आगमन हुआ है। इन संतों ने भारत की आध्यात्मिक उन्नति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। संतों की ऐसी ही गौरवशाली परंपरा के एक पुण्यात्मा के बारे में आज हम जानेंगे, जिनका नाम लेने मात्र से ही इंसान को तत्क्षण आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त हो जाता है। श्यामाचरण लाहिड़ी 18वीं शताब्दी के एक उच्च कोटि के साधक थे। लोग उन्हें लाहिड़ी महाशय के नाम से जाना करते थे। लाहिड़ी महाशय का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। जीविकोपार्जन के लिए छोटी उम्र में लाहिड़ी महाशय सरकारी नौकरी में लग गए। आप दानापुर के मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में थे। कुछ समय के लिए सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए, लेकिन असल में उन्हें भेजा नहीं गया था, बल्कि उनके गुरु द्वारा उन्हें वहां बुलाया गया था। जब लाहिड़ी महाशय रानीखेत में थे तो मौका मिलते ही पहाड़ों पर घूमने निकल पड़ते थे। इसी भ्रमण के दौरान एक बार संध्या के समय उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा है। शाम होने के बाद भी लाहिड़ी महाराज उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सके और आवाज की दिशा में ही चलने लगे। वहीं एक पहाड़ की गुफा के द्वार पर उन्हें एक तेजस्वी युवक खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा, लाहिड़ी, यहां मैंने ही तुम्हें बुलाया था। ये तेजस्वी युवक कोई और नहीं बल्कि साक्षात महावतार बाबा जी थे। ये वही बाबा जी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने ही हिमालय से वापस इस संसार में भेजा था। हिमालय की इस अद्वितीय घटना पर और जानकारी के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहां बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को अपने पिछले जन्मों की स्मृति जगाई और उन्हें अपने इस जीवन का उद्देश्य समझाया। अपने गुरु के साथ कुछ समय गुजारने के बाद बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को वापस लौटने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाबा जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि जब भी वो उन्हें पुकारेंगे वो तत्काल वहां प्रकट हो जाएंगे। तब लाहिड़ी महाशय ने वहां से प्रस्थान किया। दफ्तर में पहुंचते ही उन्हें पत्र मिला कि आपको गलती से रानीखेत भेज दिया गया था, आप वापस दानापुर लौट आइए। लेकिन ये पढ़कर वो मुस्कुरा उठे। वो ये जान चुके थे कि इस घटनाक्रम के पीछे सिर्फ गुरुजी का ही हाथ था। बाबा जी का सानिध्य पाकर लाहिड़ी महाशय बहुत प्रसन्न थे। एक बार अपने मित्रों के साथ बैठकर लाहिड़ी महाशय किसी चर्चा में रत थे, तभी एक मित्र ने जिक्र छेड़ दिया कि आजकल सच्चे संत तो मिलते ही नहीं हैं। बाबा जी का सानिध्य पाकर गदगद हो चुके लाहिड़ी महाशय ने इस बात का विरोध किया और अपने गुरु के बारे में सबको बताया, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब लाहिड़ी महाशय ने कहा कि वो बुलाएंगे तो बाबा जी यहाँ इसी समय प्रकट हो सकते हैं। सभी लोग इस बात पर तैयार हुए कि देखते हैं बाबा जी आते हैं या नहीं। लाहिड़ी महाशय ने बाबा जी का आवाहन किया और अचानक वो कमरा एक अद्वितीय प्रकाश से भर उठा। बाबा जी को साक्षात देखकर सभी आश्चर्य से भर उठे। एक दोस्त बोला कि ये सामूहिक सम्मोहन है। तब
बाबा जी ने सबको उन्हें छूकर तसल्ली करने को कहा। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि खीर बनाई जाए। बाबा ने सबके सामने खीर खाई और सबको आशीर्वाद दिया। साथ ही लाहिड़ी महाशय को डांटते हुए कहा कि लाहिड़ी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी सच में आवश्यकता होगी। इस प्रकार मैं अब हर जगह तुम्हारे बुलाने पर नहीं आऊंगा। इसके बाद बाबा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वहां मौजूद सभी मित्रों के जीवन पर इस घटना का प्रभाव आजीवन बना रहा। सभी ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा ली और अपना जीवन साधना में ही बताया। लाहिड़ी महाशय के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कारी प्रसंग हुए जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। एक बार लाहिड़ी महाशय की दो शिष्याएं उनके दर्शन के लिए ट्रेन से आने वाली थी। उनके प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन चल पड़ी। उन दोनों ने वहीं खड़े होकर लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना शुरू कर दी। तब रेलवे स्टेशन पर एक अजीब घटना घटी। ट्रेन के पहिए तो घूम रहे थे, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये नजारा देखकर ट्रेन के चालक और यात्री सभी हैरान रह गए। आखिरकार जब वो दोनों ट्रेन में जाकर बैठ गईं, तभी ट्रेन आगे बढ़ सकी। इन दोनों शिष्याओं को भी लाहिड़ी महाशय ने अपने पास पहुंचने पर प्रेम से डांटा कि क्या तुम अगली ट्रेन से मेरे पास नहीं आ सकती थी? बेवजह ट्रेन रुकवाकर तुम्हें क्यों खुशी मिलती है? इसी प्रकार एक बार लाहिड़ी महाशय अपनी साधना में बैठे थे और एक फोटोग्राफर उनका चित्र ले रहा था। कई चित्र लेने के बाद भी कैमरे में कोई तस्वीर नहीं बन पा रही थी। आखिरकार वो हार कर बोला कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तब लाहिड़ी महाशय ने कहा कि मैं एक आत्मा हूं, क्या तुम्हारा कैमरा आत्मा का चित्र ले सकता है? उसके बाद लाहिड़ी महाशय ने फोटोग्राफर से कहा कि अब फोटो लो। उस फोटोग्राफर ने तब उनकी एक तस्वीर ली और ये वो एकमात्र तस्वीर है जो लाहिड़ी महाशय की दुनिया को उपलब्ध है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। लाहिड़ी महाशय के हिमालयन और चमत्कारी लौकिक जीवन के अन्य घटनाओं को अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लाहिड़ी महाशय की ये अद्भुत जानकारी अपने मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।